नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो इस वक्त आपको बता दें हमें मिल रही है। भोपाल से जहां एसडीएम शोभित त्रिपाठी पर एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू भोपाल इकाई ने एफआईआर दर्ज की है और सीईओ सिरोंज रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप है। 3500 शादियां बताकर हेराफेरी की, शादियों के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले। संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या कुछ पूरा मामला है? एसडीएम शोभित पर एफआईआर कहा जा रहा है। 3500 शादियां जिनके मामले में हेरफेर की और जो शादियों पर करोड़ों रुपए निकाले उसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा साफ तौर से, सीहोर जनपद की जो एसडीएम उन पर जो है ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज करी है और शोभित त्रिपाठी है समेत कई अधिकारी पर जो है मामला दर्ज हुआ है। साफ तौर से लॉकडाउन के समय जो सिरोंज में जो कन्यादान हुए तो उसमें जो है 3500 शादियां इन हितग्राहियों के जो खाते में से जो है पैसे की जो हेरफेरी बताई जा रही है, करोड़ रुपए की जो है हेराफेरी इसमें बताई जा रही है। साफ तौर से सदन में सिरोंज में जो बीजेपी विधायक है उमाकांत शर्मा, उन्होंने सवाल उठाया था, जिसके बाद जो है ईओडब्ल्यू लगातार मामले में जांच कर रहा था। अब जाकर जो है इसमें कई अधिकारी जो है इनके नाम सामने आए, उनके ऊपर जो है एफआईआर की गई है। बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें एसडीएम शोभित त्रिपाठी पर एफआईआर हुई है। ईओडब्ल्यू भोपाल इकाई ने इस मामले में एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की है। पैंतीस सौ शादियां बताकर हेराफेरी का उनके ऊपर आरोप है। बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। एसडीएम शोभित त्रिपाठी पर एफआईआर दर्ज हुई है।